नमस्कार दोस्तों, अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं किसी भी टू डिजिट और थ्री डिजिट नंबर का फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना। चलिए सीखते हैं कि कैसे किसी भी तीन डिजिट और चार दो डिजिट नंबर को फास्ट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसके लिए हम एक कोई नंबर ले लेते हैं इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, ये नंबर है। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है कोई दो डिजिट, तो दो डिजिट 1, 2 ये नंबर ले लेते हैं हम। सिंपल नंबर है, इसको हम देख लेते हैं कि कैसे तीन डिजिट नंबर में दो डिजिट नंबर का फास्ट मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, अच्छा ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस जो मैंने 1 to 3 into 1 to का मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूँ इसको देखने के जस्ट बाद आप कैलकुलेशन करने लग जाएं, और जब आपको नहीं आता है मतलब इससे आपका नहीं बैठ पाता, आपको बोलते हैं कि वीडियो में बताइए ट्रिक सही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा इस पूरी वीडियो में सारे डाउट क्लियर करने की। ये छोटा नंबर है, मैं आगे बड़े नंबर का भी मल्टीप्लीकेशन करना इसमें सिखाऊंगा। सारे नंबर वीडियो देखने के बाद आप फिर अपना कैलकुलेशन करें इस ट्रिक के थ्रू, और इसके बाद ही फिर आप यदि कोई डाउट है, कुछ क्वारी से समझ नहीं आता तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे तीन डिजिट में दो डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है फास्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है ट्रिक में कि जो भी नंबर है उसमें नंबर का फर्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करो और लिख दो। तो 1 into 1 नंबर कुछ भी हो सकता है, हमको ट्रिक समझना है यहाँ पे। इसके बाद दो डिजिट का ब्लैंक स्पेस और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट नंबर 3 दूनी कितना, 6। ठीक है, ये अब हमको यहाँ दो डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दो डिजिट नंबर है उसका तीन डिजिट में क्या करेंगे कि पहले दो डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे 1 का करेंगे 3 में तो 3 एकम 3, फिर 2 का करेंगे इस 2 में तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ये डिजिट हमारा यहाँ पे फाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे डिजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वापस इस टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे बस लास्ट के टू डिजिट में। तो कैसे, इस 1 का करेंगे इस 2 में तो 2 एकम 2, फिर इस 2 का करेंगे इसमें 1 में तो 2 एकम 2, तो 2 और 2 कितना, 4। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर जो है 4 आ जाता है, और ये हमारा आंसर। ठीक है, ये आपको ट्रिक हो गया किसी भी तीन डिजिट में टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब हम बड़ा नंबर देखेंगे, है ना। आप वीडियो को पूरा देखें, ऐसा ना यहाँ छोड़कर आप डायरेक्ट करने लग जाए फिर बोलेंगे नहीं आ रहा है। आप पूरा देख लें, इसमें कैरी भी आती है, उसका भी शिफ्टिंग कुछ है। तो देखते हैं सेकंड, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे सेकंड एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 3 2 1 हमने नंबर ले लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 का कर लेते हैं। चलो ठीक है, समझ लें थोड़ा अच्छे से हो जाएगा समझने से। कैसे करें, पहले पहले नंबर का मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, 2 स्पेस ब्लैंक छोड़ना है, फिर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई तो 1 का 3 में 3, 3 एकम 3। अब 2 जो ब्लैंक स्पेस लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करें 2 का 1 में 2 एकम 2 और 3 का 2 में, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये नंबर में हमको मिल जाता है। यहाँ के लिए क्या करेंगे, वापस 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4 13, 13 की 3 जो कैरी आई उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये आपको एक बात यहाँ पे नई सीखने को मिलेगी। तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, 7383 आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक बड़ा नंबर कोई सा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने का। तो बड़ा नंबर कैसा, जैसे मान लो बड़ा का नंबर कोई सा लिख लो 5, और इसके बाद आप लिख सकते हैं 8 9। ठीक है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता तीन डिजिट में, इंटरचेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हम ले लेते हैं इधर 64। ठीक है, ये हमारा बड़ा नंबर है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम शॉर्ट, तो वही क्या करेंगे, दोनों नंबर का फर्स्ट फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 6 30 लिख लो 30, फिर 2 स्पेस हमको लिखना मतलब लिखना या 2 डिजिट लाना है, फिर लास्ट का नंबर करेंगे 9 9 37 9 6 36। 36 का हम 36 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिखेंगे, और 36 36 का जो 3 है उसको कैरी के रूप में ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर आएगा उसमें हम इसको ऐड करेंगे, बस ये और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे नंबर लाने के करेंगे, हमारा तरीका है 6 का करेंगे 9 में, तो 9 5 9 6 54 54, और 4 का करेंगे 8 में तो 8 6 32 32 और 54 कितना हो जाएगा जी, 54 और 32 हो जाएगा 86। तो 86 का हम क्या लिखेंगे यहाँ, 6। ठीक है, और 8 कैरी को इधर सेट कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर लाने क्या करेंगे,
छह का मल्टीप्लाई करेंगे आठ में, तो आठ छंग 48 और पांच चौके 20, तो 48 और 20 कितना हो जाएगा 68, 68 कहीं लिखेंगे और 6 को शिफ्ट यहाँ कर देंगे, बस हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, फाइनल क्या आ जाएगा हमारा, देखो 6 6 और 3 9, 8 और 8 16, कैरी आएगा 1, तो 6 और 1 7, 7 और 0 7 और ये 3, तो ये यहाँ पे हमारा बड़े नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हमारी ट्रिक थी जिसमें हमने टू डिजिट और थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा। आप कोई सा भी नंबर ले लो, सारे इससे कैलकुलेशन होती है थ्री डिजिट से, ऐसा नहीं हो नहीं हो, बट आपको क्या करना है, यदि कैरी आती है कैरी शिफ्ट करते जाना है। तरीका क्या है, आप समझ लें एक बार फिर से, क्या है, जो भी टू डिजिट थ्री डिजिट है तो पहले पहले डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, फिर लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, बीच में तो डैश लगा के यहाँ नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, एक बार ऊपर से पहले दो डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, एक नंबर आ जाएगा, फिर नीचे से एक अंक छोड़कर लास्ट की टू डिजिट में पूरे नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा दूसरा अंक आ जाएगा, कैरी है उसको शिफ्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो ये टू और थ्री डिजिट्स का फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक थी, जिसकी कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे मेरे व्यूअर्स, तो मैंने ये वीडियो बना दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टू और थ्री डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे इस अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो जो इस पे अपलोड करूँ वो आपको डायरेक्ट उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।